दुनिया जहान में इस हफ्ते जापान में लाखों मकान खाली क्यों पड़े हैं? स्वागत है आपका दुनिया जहान में। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। हर हफ्ते एक सवाल और उसका जवाब तलाशने की कोशिश। बीबीसी पड़ताल दुनिया की। जनवरी 2023 में जापान के टोक्यो में रहने वाले परिवारों को सरकार की ओर से एक आकर्षक प्रस्ताव मिला और वो प्रस्ताव ये था कि अगर वो शहरी इलाके को छोड़कर बाहर बसना चाहें तो उन्हें परिवार की प्रति संतान 10 लाख येन यानी करीब $7,000 दिए जाएंगे। मगर इसमें एक शर्त है कि परिवार के कम एक सदस्य के पास नौकरी होनी चाहिए और वो ग्रामीण इलाके में व्यापार स्थापित करने का वादा करे, और ये राशि लेने के बाद अगर वो 5 साल से पहले दोबारा शहर में बसना चाहे तो उन्हें पूरी रकम सरकार को वापस लौटानी होगी। जापान की अधिकांश आबादी शहरों में बसती है और पिछले कई सालों से वहां प्रॉपर्टी की किल्लत है। वहीं बाहरी इलाके में लाखों मकान खाली पड़े हैं। जापान में प्रॉपर्टी की समस्या से निपटने के लिए केंद्र और प्रांतीय सरकारों द्वारा ऐसे कई कदम उठाए जा रहे हैं। तो इस हफ्ते दुनिया जहान में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जापान में लाखों मकान क्यों खाली पड़े हुए हैं। इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए हमने कुछ एक्सपर्ट से बात की। पार्ट 1 अकिया। जापानी भाषा में अकिया का मतलब होता है खाली पड़े मकान। मैं जब दफ्तर जा रही होती हूँ तो अक्सर ऐसे कई अकिया रास्ते में दिखाई देते हैं। उन्हें पहचानना बहुत आसान होता है क्योंकि अक्सर उनकी खिड़कियों के कांच और दरवाजे टूटे होते हैं, हालत खस्ता होती है। ये है आयुमी सुगीमोटो, जो जापान की अकिता इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में ग्रामीण जनजीवन के बारे में पढ़ाती हैं। वो अकितो में रहती हैं, जहां खाली छोड़ दिए गए मकानों की संख्या जापान के अन्य क्षेत्रों की तुलना में सबसे ज्यादा है और लगातार बढ़ती जा रही है। आयुमी सुगीमोटो कहती हैं कि 2018 के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक जापान में 13% अकिया मकान है, यानी वो मकान जिनके मालिक उन्हें खाली छोड़कर चले गए हैं। अकिया मकान केवल ग्रामीण क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि शहरी इलाकों में भी मिलते हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जापान में 80 लाख से ज्यादा अकिया है, जबकि लोगों का मानना है कि वास्तव में ये संख्या इससे कहीं ज्यादा है। इसके कुछ आर्थिक कारण भी हैं। जिस जमीन पर मकान बने होते हैं उस पर टैक्स में रियायत मिलती है, इसलिए मकान मालिक इन मकानों को गिराकर जमीन खाली करवाना नहीं चाहते। टैक्स के मामले में मकान को गिराने की बजाय उसे खाली छोड़ देना मकान मालिकों के लिए अधिक फायदेमंद होता है। आर्थिक कारणों के अलावा इसकी एक वजह ये भी है कि कई मकान सालों पुराने हैं और वहाँ रहने वालों की स्मृतियाँ उनसे जुड़ी हुई हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये धार्मिक आस्था का मुद्दा भी है। इन घरों में लोग अपने पुरखों की चीजें संजो कर रखते हैं, जिन्हें वो अपने पुरखों के बौद्ध अवतार भी कहते हैं, और मानते हैं कि उनके पुरखों की आत्मा उन खाली मकानों में वास करती है। इसलिए वो अकिया मकानों को गिराकर जमीन खाली कराना नहीं चाहते। आयुमी सुगीमोटो कहती हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की कमी भी इसकी एक बड़ी वजह है। ग्रामीण इलाकों में रोजगार और उच्च शिक्षा के पर्याप्त अवसर नहीं है, इसलिए युवा पीढ़ी टोक्यो और ओसाका जैसे बड़े शहरों की ओर आकर्षित हो रही है। आयुमी का कहना है कि अकिया मकानों में जंगली जानवर भी डेरा डालना शुरू कर देते हैं, साथ ही भारी बर्फबारी या तूफान से लकड़ी के बने ये खस्ता हाल मकान ढहकर पड़ोस के मकानों पर गिर जाते हैं, जिससे दूसरे लोगों के लिए भी खतरा पैदा हो जाता है। इन मकानों को तोड़कर जमीन खाली करवाने के लिए सरकार को इनके मालिकों से मंजूरी लेनी पड़ती है, जो कि इसलिए मुश्किल होती है कि ये लोग अपना अगला पता छोड़े बिना ही इन मकानों को खाली करके निकल जाते हैं। कई जगहों पर प्रशासन ने इन मकानों को कैफे, पर्यटन आवास या फिर दुकानों में बदलने के लिए भी कदम उठाए हैं, मगर उससे ये समस्या हल नहीं हो रही। मसला यह है कि जितनी लोगों की जरूरतें हैं, अकिया की संख्या उससे कहीं ज्यादा है।
और इनमें से कई मकान इतने पुराने हो चुके हैं कि उनकी मरम्मत या रिनोवेशन मुश्किल है। पार्ट टू, लोगों की मुश्किलें। जापान की प्रॉपर्टी समस्या का संबंध वहां की आबादी से है। हमारी दूसरी एक्सपर्ट मिसा इजुहारा ब्रिटेन की ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी में सामाजिक नीति शास्त्र की प्रोफेसर हैं। वो कहती हैं कि 1970 से जापान के सामने बूढ़ी होती आबादी एक समस्या बन चुकी है। जापान की 30% आबादी 65 साल से अधिक उम्र के लोगों की है। जापान में अच्छी स्वास्थ्य सेवा की वजह से लोगों की औसत जीवन अवधि 80 साल के आसपास है, मगर जन्म दर कम है। The current fertility rate, that is the number of babies which... जापान में महिलाओं की प्रजनन दर केवल 1.3% है। 2010 में जापान की जनसंख्या लगभग 13 करोड़ तक पहुंच गई थी और उसके बाद से ये लगातार गिरती जा रही है और अनुमान है कि ये 32% सालाना की दर से घटेगी और वर्ष 2060 तक जापान की आबादी घटके 8 करोड़ रह जाएगी। इसी साल जापान के प्रधानमंत्री ने संसद में आह्वान किया था कि इस समस्या का जल्द हल किया जाना जरूरी है, वरना जापान के समाज के लिए गंभीर चुनौतियां खड़ी हो जाएंगी। पर जन्म दर के घटने का खाली पड़े मकानों की समस्या से क्या लेना देना है? पहले 3 पीढ़ियां एक मकान में एक संयुक्त परिवार की तरह रहती थी, जिससे घर की विरासत आसानी से नई पीढ़ी को सौंप दी जाती थी और मकान का रखरखाव भी जारी रहता था। दूसरे महायुद्ध के बाद आर्थिक पुनरुत्थान दौर में लोगों ने शहर जाकर बसना शुरू कर दिया और वहीं अपने मकान बनवा लिए। दोनों पीढ़ियां धीरे धीरे अलग रहने लगी। ज्यादा लोगों के संयुक्त परिवार छोड़कर शहरों में बसने से परिवार के संसाधन कम हुए और पुराने पुश्तैनी मकानों के रखरखाव की अनदेखी होने लगी। Household size is getting smaller. अब परिवार छोटे होते जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर 70 के दशक में आधे परिवार ऐसे थे जिनके अपने बच्चे थे और 14% संयुक्त परिवार थे जिसमें 3 पीढ़ियां साथ रहती थी। अब कुल परिवारों में 38% ऐसे परिवार हैं जिसमें केवल 1 या 2 लोग ही साथ रहते हैं। जब ये लोग भी गुजर जाते हैं या मकान छोड़ जाते हैं तो एक और अकिया बन जाता है। मगर मिसा इजुहारा कहती है कि आबादी के स्वरूप में बदलाव के अलावा दूसरे कारण भी हैं जिनकी वजह से प्रॉपर्टी संबंधी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। पार्ट 3, मांग और आपूर्ति की समस्या। दुनिया में कई जगह खासतौर पर यूरोप में पुराने मकानों की अच्छी मांग है और वो महंगे बिकते हैं। हमारे तीसरे एक्सपर्ट है कुजुकी मोरिमोटो। वो लंदन की लीड्स यूनिवर्सिटी में जापानीज पढ़ाते हैं। वो कहते हैं कि जापान में ऐसा बिल्कुल नहीं है और लोग मानते हैं कि पुराने मकान की बनावट खास अच्छी नहीं होती। जापान में लोग अक्सर कहते हैं कि अगर आपने नया मकान भी खरीद लिया हो तब भी 30 सालों में उसकी कोई कीमत नहीं रहेगी। इसकी एक वजह यह है कि जापान में तूफान और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएं आम हैं और नए मकान इन बातों को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं ताकि आपदा की स्थिति में नुकसान को कम किया जा सके। इतना ही नहीं बल्कि ये दिशा निर्देश हर 10 साल में बदले जाते हैं। ऐसे में पुराने बने मकानों को नए भवन निर्माण नियमों के अनुरूप बदलना काफी खर्चीला काम होता है। कुजुकी मोटो कहते हैं कि भवन निर्माण कंपनियां लोगों की बदलती जरूरतों के हिसाब से मकान बना रही हैं और उसकी मार्केटिंग आकर्षक तरीके से करती हैं। जापान में लोगों की जरूरतें बदल रही हैं और हर साल करीब 8 लाख नए मकान बनते हैं। The new house tend to be more expensive, just like in UK. मुझे कई बार आश्चर्य होता है कि पुराने बड़े मकानों की जगह जो नए मकान बनाए जाते हैं वो काफी छोटे होते हैं। भवन निर्माण उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए जापानी सरकार बिल्डरों और खरीदारों को टैक्स में रियायतें देती है। साथ ही साथ सरकार पुराने मकानों में लोगों को बसाने के लिए भी कई स्कीमें चलाती है। कुजुकी मोरिमोटो कहते हैं कि ये कुछ विरोधाभासी जरूर है क्योंकि एक ओर पुराने अकिया मकानों की समस्या सुलझाने के लिए सरकार लोगों को आर्थिक मदद देकर प्रोत्साहित करना चाहती है, वहीं नए महंगे मकान खरीदने के लिए भी लोगों को वो प्रोत्साहित कर रही है ताकि अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया जा सके। लोगों का ग्रामीण इलाकों से शहरों की ओर पलायन भी जारी है।
People are always talking about the decreasing population in Japan. लोग अक्सर जापान की घटती आबादी की बात करते तो हैं, जो कि एक सच्चाई है, लेकिन अगर घर के लिहाज में देखें तो ये इतनी सीधी सपाट बात भी नहीं है। जनसंख्या तो कम हो रही है, लेकिन टोक्यो में रहने वाले परिवारों की संख्या लगातार बढ़ रही है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग अब अकेले रहने लगे हैं। यही बात छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखने को मिलती है। इससे सप्लाई और डिमांड के बीच संतुलन बिगड़ रहा है। इसका एक असर ये भी है कि बड़े शहरों के कुछ इलाकों और उनके उपनगरों में सस्ते मकानों की किल्लत पैदा हो रही है। साथ ही सप्लाई और डिमांड के बीच बिगड़ते संतुलन का असर स्वास्थ्य व यातायात जैसी सेवाओं पर भी पड़ रहा है। Yeah, definitely. That's the major concern. ये बिल्कुल सच है कि ज्यादा से ज्यादा लोग छोटे शहरों और गांव से बड़े शहरों की ओर जा रहे हैं, यानी बुजुर्ग और बूढ़े लोग पीछे छूटते जा रहे हैं, और स्थानीय प्रशासन के लिए ये मुश्किल है, क्योंकि इससे ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों की आय घटती जा रही है और वहां लोगों को आम सेवाएं पाना मुश्किल साबित हो रहा है। मूल बात तो यह है कि जापानी लोग नए मकान पसंद करते हैं, और अगर सरकार खाली मकानों की समस्या सुलझाने के लिए कड़े कदम नहीं उठाएगी तो ये समस्या बनी रहेगी। पार्ट 4, बदलाव की जरूरत। ये तो साफ है कि जापान में लोग नए मकान खरीदना पसंद करते हैं, और वक्त के साथ पुराने होते मकानों की कीमत भी गिरती है। हमारे चौथे एक्सपर्ट जीरो योशिडा पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र विभाग में प्रोफेसर हैं। वो टोक्यो यूनिवर्सिटी में गेस्ट प्रोफेसर हैं। वो खुद टोक्यो में लगभग 12 साल बिता चुके हैं। उनका मानना है कि खाली मकानों की समस्या केवल जापान में ही नहीं बल्कि और देशों में भी है। Japan has a really high vacancy rate for housing. जापान में खाली पड़े मकानों की संख्या बड़ी समस्या है, लेकिन ये समस्या और देशों में भी है। मिसाल के तौर पर अमेरिका में भी लगभग 13% मकान खाली पड़े हैं। उसी तरह यूरोप में ग्रीस, स्पेन और दूसरे देशों में भी बड़ी संख्या में मकान खाली पड़े हैं। पर जापान में खाली मकानों की समस्या को सुलझाने के लिए क्या किया जा सकता है? That's still a difficult problem to solve. इस समस्या को सुलझाना आसान तो नहीं है, लेकिन कुछ कदम उठाए जा सकते हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी टैक्स नियमों को बदला जा सकता है। फिलहाल टैक्स सिस्टम में जिन जमीनों पर मकान बने हैं उसके मालिकों को ही रियायत मिलती है। इनहेरिटेंस टैक्स या विरासत कर की दर बदलकर उसे अन्य आमदनी के बराबर किया जा सकता है। कोविड महामारी के दौरान घर से काम करने का चलन हर जगह प्रचलित हो गया था। क्या ये भी लोगों के पलायन को रोकने का तरीका हो सकता है? A lot of jobs, especially service jobs or third sector jobs. रोजगार के अधिकांश अवसर टोक्यो जैसे बड़े शहरों में होते हैं, खास तौर पर सर्विस सेक्टर या सेवा उद्योग में। कई युवा ग्रामीण इलाके के अपने घर में ही रहना पसंद भी करें तो वहाँ नौकरियाँ नहीं होती, जिसकी वजह से उन्हें घर छोड़कर बड़े शहरों का रुख करना पड़ता है। अगर घर से काम करने की सुविधा हो जाए तो वो आराम से गाँव या छोटे शहरों के अपने बड़े मकान में रहकर आराम से टोक्यो की किसी कंपनी के लिए काम कर पाएंगे और ये समस्या काफी हद तक सुलझ जाएगी। जीरो योशिडा कहते हैं दूसरा विकल्प ये भी हो सकता है कि नई छोटी कंपनियां खाली पड़े मकानों की मरम्मत करके वहां अपने दफ्तर खोल लें। इस तरह के प्रयोग हो भी रहे हैं। इस मसले का एक पहलू ये भी है कि जापान के कई उद्योगों में श्रमिकों की किल्लत की समस्या शुरू हो गई है, और भवन निर्माण उद्योग भी इससे अछूता नहीं है। इस किल्लत की वजह से भविष्य में नए मकानों की कमी हो सकती है। In Tokyo area, or large cities. भवन निर्माण उद्योग में आमतौर पर ज्यादातर अधेड़ उम्र के लोग काम करते हैं, और नजदीकी भविष्य में इनमें से काफी लोग रिटायर हो जाएंगे और कंस्ट्रक्शन उद्योग इसी स्तर पर इमारतें बनाना जारी नहीं रख पाएगा। साथ ही घटती आबादी की वजह से नए मकानों की मांग भी घटेगी। इस तरह स्वाभाविक तरीके से खाली पड़े मकानों की समस्या खत्म हो जाएगी। तो लौटते हैं अपने मुख्य प्रश्न की ओर, क्यों जापान में लाखों मकान खाली पड़े हैं? जैसा कि हमने अपने विशेषज्ञों से सुना कि इसके कई कारण हैं। आबादी घट रही है, उसका स्वरूप बदल रहा है, प्रॉपर्टी टैक्स में रियायतें दी जाती हैं, वहीं धार्मिक आस्था के साथ साथ व्यवहारिक कारण भी इससे जुड़े हुए हैं। युवा पीढ़ी ग्रामीण क्षेत्र से शहरों की ओर रुख कर रही है, जिससे नए मकानों की मांग बढ़ रही है, और इससे भविष्य में अकिया मकानों की संख्या भी और बढ़ती जाएगी।